स्टूडेंट्स वी आर डूइंग दिस रिवीजन लाइक दिस क्वेश्चंस ना व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस पेपर द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 19 क्वेश्चंस ओके डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4 सेक्शन 5 सेक्शन 1 9 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच सेक्शन 2 2 क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच ओके सेक्शन 3 3 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच सेक्शन 4 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच सेक्शन 5 कंसिस्ट ऑफ 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच सो नाउ वी शैल सी सेक्शन 1 9 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क सो हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस सो फर्स्ट क्वेश्चन ना उसका एक कुछ लॉजिक है वो बताने मैं बाद में बताऊंगा फर्स्ट सेकंड में थोड़ा उसको थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन करना पड़ेगा फर्स्ट ना आई विल एक्सप्लेन यू द थर्ड वन सो व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा यूक्लिड्स फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 आता कि नहीं आता 135 एंड 225 तो यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है क्या ढूंढना है कितना इजी रहता देखो सो आई एम स्टार्टिंग विद थर्ड वन सो कैसे करना है देखो 135 एंड 225 ना तो बड़ा नंबर कौन सा है 225 तो वो लिखना इज इक्वल टू 135 इनटू हाउ मेनी टाइम्स इफ यू डू यू विल गेट मींस नियरेस्ट देखना 135 वन जा 135 135 टू जा 270 तो नहीं ले सकता मैं बड़ा हो गया तो आई विल टेक वन जा 135 सो 135 वन जा 135 तो कितना बच गया 90 बच गया व्हाट इज द रिमाइंडर 90 अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है यूक्लिड डिवीजन में अब जैसे 225 लिए ना यहां पे देखो ना 225 कहां से लिए क्वेश्चन में था अब अपन नेक्स्ट नंबर क्या लेना ये कब तक करना क्या करना मैं सब बोलूंगा अब नेक्स्ट नंबर वी विल टेक 135 ये 135 नीचे लिया अब नेक्स्ट स्टार्ट कहां से नेक्स्ट नंबर क्या लेना डिवाइजर में ये वाला लेना रिमाइंडर रिमाइंडर कितना आया 90 तो बचा कितना रिमाइंडर अब क्या करना सर 90 नीचे लेना सेम सर कब तक करना जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता जब तक रिमाइंडर हाँ 90 45 लेना नीचे 45 टू सा ले सकता हूँ क्या यस 45 टू सा कितना 90 रिमाइंडर कितना Yes. जब रिमाइंडर जीरो आता वो टाइम पे यहाँ पे जो रहता वो HCF है therefore HCF of 225 and 135 is कितना समझ गए इज इट क्लियर ओके नेक्स्ट सम मैं पहले रियल नंबर्स के बता देता हूँ तो रियल नंबर्स के फर्स्ट और सेकंड भी रियल नंबर्स के ही हैं सो सेकंड वाला बता देता हूँ पहले कौन सा बता देता हूँ इजी है देखो सुनो फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस सुन रहे क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वन मार्क के लिए फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर विल टर्मिनेट टर्मिनेट बोलते टर्मिनेट होने वाला है तो टर्मिनेट होने पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे क्या है बोलो जरा मेरे को बोलो 27 नहीं पूरा नहीं मेन 27 बाई क्या था अरे बोलो ना 2 cube 5 बोलो 2 cube 5 power 4 3 square क्या बोल रहा क्वेश्चन में बोलो कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस तुम लोगों को हिंदी में समझो क्या कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद रुकने वाला है टर्मिनेट होने वाला है यानी इसको पहले तुम डिवीजन करना टर्मिनेटिंग करते नहीं बटना वन मार्क में क्या तुम आधा घंटा स्पेंड करेंगे वन मार्क में हार्डली 2 to 5 minutes हाउ मच अपन पहले एचसीएफ का करें ना कितना देर में 2-3 minutes में कर ली वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोल के अगर तुम करेंगे तो 1 minute में कर सकते हैं इफ यू नो द कॉन्सेप्ट सो नाउ सी ये कैसे करेंगे सर जरा देखो 27 ऊपर है सुनो हाँ लिखो 2 cube 5 square 5 power 4 into 3 square है ना 3 square कितना होता
ये 3 square 9 है ना, 9 कैंसिल हो रहा है, 9 1 9 3। सर कैंसिल करे तो हुए तो करना, कैंसिल होने के बाद चेक करना डिनोमिनेटर में क्या क्या पावर है। और एक चीज मैं बोलता हूँ, ध्यान रखो डिनोमिनेटर में 2 और 5, डिनोमिनेटर में क्या है ना, 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग बोल तो वो रुकने वाला है, समझ में आ रहा, रुकने वाला बोल तो सो ऑन नहीं आएगा, डेसिमल में अगर डिवाइड करेंगे तो सो ऑन आने वाला, सो ऑन वो तो समझते ना, जैसे 3.862089 1 ऐसा कुछ तो आते ही रहता, समझ में आया, तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग, समझ में आ रहा। लेकिन डिनोमिनेटर में ओनली 2 पावर है, सुन रहे क्या मेरा वर्डिंग्स, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सम तो कैसे करना स्टेप बताऊंगा, बट कॉन्सेप्ट भी समझो, इसको छोड़ के कोई और सम आया तो ओनली 2 पावर है तो टर्मिनेटिंग है, ओनली 5 पावर है तो भी टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 पावर, 2 पावर m और 5 पावर n दोनों भी है तो भी, लेकिन 2 और 5 को छोड़ के कुछ और है डिनोमिनेटर में तो टर्मिनेटिंग। तो तुम बोलेंगे, इसको देख के बोलेंगे सर ये टर्मिनेटिंग नहीं है। अरे भाई कैंसिल करने के बाद बोलो, तुम बोलेंगे सर 2 भी है 5 भी है 3 भी है, सर 3 आ गया ना सर तो टर्मिनेटिंग नहीं है। नहीं नहीं, कैंसिल करने के बाद बोलो, 3 square कितना होता, तो कैंसिल हुआ ना। अब कैंसिल होने के बाद में इसको देख के बोलो कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, क्यों है, रीजन क्या है, बोला ना, डिनोमिनेटर में 2 पावर m 5 पावर n है, सिर्फ 2 पावर m है तो भी टर्मिनेटिंग, सिर्फ 5 पावर m है तो भी टर्मिनेटिंग, दोनों है तो इन दोनों को छोड़ के कुछ और है तो टर्मिनेटिंग। तो तुम ये क्वेश्चन को देख के नहीं छोड़ दो, अरे सर 3 आया ना, नहीं है, नहीं नहीं, अरे भाई कैंसिल करने के बाद बोलो, 3 square कैंसिल हो गया ना तो अब टर्मिनेटिंग तो है। अब टर्मिनेटिंग क्या अपन डिवाइड करते बैठेंगे कि एग्जाम में 1 mark में, अभी तो मैं इतना समझाया, तुम तो एग्जाम में कितना देर जी, 3 square को 9 लिखे, 9 से कैंसिल करें और उसके बाद में यहां करने के बाद में 2 और 5 का पावर दोनों का सेम बनाना, सेम बनाना बोल तो 5 को पावर 4 है, 2 को पावर कितना है तो उसको 4 बनाएंगे, बना सकते कि नहीं, तो एक 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 2 हां तो करे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ करना, (2) (2) कभी भी न्यूमरेटर में भी करना, और हाँ तो ऊपर कितना हो गया 3 2 6, नीचे कितना हो गया 2 cube (2) बोल दो 2 power 4। अब दोनों का पावर सेम है तो मैं 2 into 5 whole power 4 लिख सकता हूं, कैन आई राइट, हाँ 2 5 का कितना 10 power 4, 10 power 4 बोल दो कितना 6 by 10,000, 10 power 4 means 10,000, तो डिवाइड करेंगे तो 6 के पहले जाएंगे ना पॉइंट 4 decimal, तो आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस इट इज गोइंग टू एंड, देखो 0.0006, सो आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस 4 decimal places, तो पॉइंट के अंदर कितने डेसिमल प्लेसेस आए, अपन बोल रहे कि टर्मिनेट हो रहा है, यस टर्मिनेट हो रहा, लेकिन कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा, बस 1 mark, तो क्या करें, फटाफट कैंसिल करें, फिर दोनों का डिनोमिनेटर में 10 बनाना है ना, तो 2 cube था, 5 power 4 था, तो एक 2 मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे, समझ में आया, करने से क्या हो गया 2 power 4 5 power 4, फिर दोनों का पावर 4 है तो होल पावर 4 लिख लिया, ठीक है, फिर 2 5 10, 10 power 4 तो 10 into 10 into 10,000 पॉइंट में लगाए, बोलो कितने 0 है भाई, तुम लोग का डेसिमल तो आना चाहिए 10th में आगे, कि 4 0 है तो ये 6 के पहले 4 digit के पहले पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 4 6 को मिला के सुने तो 0.0006, तो आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस इट इज गोइंग टू टर्मिनेट, आफ्टर 4 decimal places, 1 2 3 4, ये डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं इसको, सो आफ्टर 4 decimal places इट इज गोइंग टू टर्मिनेट का मतलब रुकने वाला है, एंड होने वाला, रुकने वाला है, रुक गया ना, हो गया तो लिखना, देयरफॉर आफ्टर हाउ मेनी, उन पूछा ना क्वेश्चन में, आफ्टर 4 decimal places इट इज गोइंग टू टर्म, इट बोल तो कौन है, बोल सकते कोई, इट बोल तो कौन है, इधर क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन क्या है बोलो,
20 it बोलते 27 by 2 cube into 5 power 4 into 3 square. It बोलते वो उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन. उसको मैं वो पूरा नहीं लिख के क्या लिख दिया नाम शॉर्ट में it बोलते कौन है क्वेश्चन. क्वेश्चन कौन लिखता वापस it लिख दिया. It means क्वेश्चन में वही तो था. So therefore after 4 decimal places it is going to terminate. It बोलते कौन है भाई क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन लिखो नहीं तो मैं इट लिख दिया. इट मींस अंडरस्टूड कि क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे तुम. ओके नेक्स्ट फर्स्ट वन वो भी रियल नंबर्स का है. कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम. हो सकता है क्या पूछ रहा हूं. गिव रीजन अगर हो सकता तो क्या रीजन देंगे भाई क्या देंगे. कैन टू नंबर्स देखो एक कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है सुनो. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम. ये कॉन्सेप्ट है यानी कोई भी दो नंबर का अगर तुम एच सी एफ निकालते हो और एल सी एम निकालते हो फॉर्मूला जैसे याद रखना सुबह उठ के रोज रिवाइज करना. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू याद रखे तो बहुत ईजी है यार. भूल गए तो प्रॉब्लम है. भूलेंगे तो प्रॉब्लम है. एग्जाम में 8 का टेबल भूल गए तो फिर सम कैसे करेंगे. प्रॉब्लम किधर है कॉन्सेप्ट मालूम रहने के बाद में भी अगर ये जैसे ये फॉर्मूला है ये फॉर्मूला नहीं भूल जाना. ये फॉर्मूला भूल गए तो सम कैसे करेंगे फिर तुम लोग. तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से दो नंबर. कोई भी दो नंबर जिसका अपन एच सी एफ ढूंढ रहे हैं एलसीएम ढूंढ रहे हैं तो एच सी एफ आ जाएगा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. एलसीएम वो मैं अलग क्लास में बताया हूँ ऑलरेडी वो मैं तुम्हारे को वीडियो शेयर करूंगा. ओके सो एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ये फॉर्मूला है. लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा कैन टू नंबर्स हैव कौन से दो नंबर नहीं बोला. क्या उसको 16 एज देयर एच सी एफ 380 एज देयर एल सी एम रह सकता क्या. रह सकता कि नहीं रह सकता. दोनों को मल्टीप्लाई करे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है. तो मेरे जो दो नंबर्स हैं वो दो नंबर्स कुछ भी रह सकते. वो दो नंबर सुनो ना यार दो दो नंबर का एच सी एफ ये है कहते हैं एलसीएम ये है और ये दोनों को मल्टीप्लाई करे तो अपने को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आता वो मालूम अपने को. तो अब वो दोनों को मल्टीप्लाई कर जो नंबर आया उसको अपन ब्रेक करके कोई भी दो नंबर बना सकते कोई भी. हाँ तो इसको ना इसलिए मैं ये फर्स्ट वाला थोड़ा नहीं बता रहा था बिकॉज इसमें ना तुम लोग को एच सी एफ आता क्या एलसीएम आता क्या वो बहुत कुछ बोलना पड़ता. फिर भी मैं जो एक फॉर्मूला है वो मैं लिखा दिया. यू ट्राई नहीं तो इसको मैं अलग से बोलूंगा ठीक है. नेक्स्ट सेकंड थर्ड तो आई थिंक यू अंडरस्टूड नाइसली. नाउ फोर्थ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर इक्वल कहते क्या है पॉलिनोमियल में. कॉन्सेप्ट क्या है बोलो. पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्या है. सम एंड प्रोडक्ट आर क्या बोल रहा इक्वल. सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या है बोलो ना भाई. सम ऑफ द जीरोस माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए सम ऑफ द जीरोस. तुम बोल रहा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल आर सम ऑफ द जीरोस माइनस बी बाई ए. उन्हीं बोल रहा देखो मैं नहीं बोल रहा हूं. सम एंड क्या बोल रहा देखो. पूरा अटेंशन से नहीं देखेंगे तो वेस्ट हो जाएगा. सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर इक्वल. हाँ मेरे को बोलो इसमें ए क्या है. ए की वैल्यू कोई बोलेगा. बी वेरी गुड. बी की वैल्यू वेरी गुड यार अच्छा बेसिक है तुम्हारा. सी क्या है गलत. फोर पी जो बोल रहा है वो ही बोल रहा है. ये भी दिए ना अपने को कोई उसको भी यूज करना है. ये नहीं मालूम तो नहीं बोलना. कोई बोल रहा वही रिपीट करते क्या. तो ए कितने हैं
बी कितने हैं, सी, और हम बोल रहे सम एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, तो सम क्या है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट क्या है बोलो सी बाई ए, सम एंड प्रोडक्ट आर इक्वल बोलते भैया ना, तो मेरी बात सुनो आप क्या करेंगे एग्जाम में, ऐसे नहीं सुनो, सम ऑफ द जीरोस माइनस बी बाई ए, बी कितना है बोले तुम लोग सिक्स, ए कितना है बोले पी, माइनस सिक्स बाई पी, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो बोलो सी बाई ए, सी कितना है फोर पी बाई ए कितना पी पी, आंसर कितना, ये सम ऑफ द जीरोज है या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है, बट क्वेश्चन में बोल रहा दोनों, तो माइनस सिक्स बाई पी इज इक्वल टू फोर, पी इधर जाता फोर इधर आता, माइनस सिक्स बाई फोर इज इक्वल टू पी, टू टू जा टू थ्री जा, तो पी की वैल्यू कितनी आई, हो गया सम वन मार्क, कुछ भी नहीं था, सम ऑफ द जीरोज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, और क्वेश्चन में बोला दोनों क्या है इक्वल है, तो इक्वल लिया पी की वैल्यू आ गई। तब इसमें क्या याद करना था, ये सम करना, तो पहले तो क्या आना बोलो, ए बी सी किसको बोलते हैं मालूम रहना, वो सेकंड सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला मालूम रहना, और हाँ और थोड़ा दिमाग भी रहना, हाँ सब्जी लाने के बाद गैस भी है तो नमक भी डालना ना, नहीं तो टेस्ट कैसे आएगा, नमक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो अभी तुम बोलेंगे सर फॉर्मूला याद है, ए बी सी मालूम है, लेकिन दिमाग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सब्जी है गैस है, अच्छा है सुना है, बनाने आना नमक और बनाने आना बोलते, दिमाग रहना, बनाने नहीं आता, मैं सब्जी ला लिया, घर पे गैस सिलेंडर भी है, तो क्या हुआ, आपको बनाने आता क्या, नहीं, तो तुम्हारे मालूम ए बी सी क्या है, सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला मालूम, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मालूम, अच्छी बात है, कैसा करना मालूम क्या, नहीं क्या बोल रहा भाई, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या बोल रहा, इक्वल बोल रहा कि नहीं बोल रहा, तो इक्वेट करे पी की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा, नेक्स्ट फिफ्थ वर्जन क्या बोल रहा, टू बाई थ्री रूट ऑफ द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, सुन रहे क्या, इक्वेशन कैसा इज इक्वल टू दिया ना, तो इक्वेशन है टू बाई थ्री से रूट कहते, रूट का मतलब मालूम है स्क्वायर रहे तो दो रूट रहते, कितने रूट रहते, यहां देखो स्क्वायर है, स्क्वायर बोल तो दो रूट रहते, दो में से एक रूट दे दिया टू बाई थ्री, उन किसकी वैल्यू फाइंड करो बोल रहा, तो इक्वेशन क्या है बोलो, जरा लिखेंगे कॉपी करेंगे, क्या है इक्वेशन, के एक्स स्क्वायर माइनस, ओके क्या बोल रहा, वन ऑफ द रूट इज टू बाई थ्री, रूट बोल तो किधर सब्स्टिट्यूट करना सर, एक्स के जगह पे, पर के की वैल्यू आ जाती, किसकी वैल्यू आती, वन ऑफ द रूट मींस एक्स की वैल्यू दिया, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स क्या है स्क्वायर, तो कितने रूट्स रहते हैं, एक को अपन अल्फा लेते हैं एक को बीटा लेते हैं, लेकिन वो दोनों वैल्यू किधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स के जगह पे, हाँ हाँ एक्स के जगह पे, तो के इंटू टू बाई थ्री होल स्क्वायर माइनस टू बाई थ्री माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, समझ में आ रहा क्या सर, तुम बोलेंगे सर x की जगह क्यों लगे, अरे उन्हीं क्वेश्चन में बोला कि x की वैल्यू टू बाई थ्री है, कहां बोला सर, कहां बोला x की वैल्यू, बोला क्या x की वैल्यू टू बाई थ्री, बोला क्या क्वेश्चन में, लेकिन वो समझ में उतना तो दिमाग कैसे मालूम सर, टू बाई थ्री इज ए रूट बोला, मीन्स x की वैल्यू, अब पूरा चीज बोलेंगे उन सम भी करके देंगे तो फिर अपन क्या करेंगे, टू बाई थ्री इज ए रूट मीन्स वो x की वैल्यू है, x की कितनी वैल्यू रहती है एक्चुअली, दो रहती, स्क्वायर है ना, तो एक दिया तो अपन एक सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, k की वैल्यू आ जाती, तो सॉल्व करो स्टूडेंट कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर कितना, अब एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे बोलो, 9 और 3 और 2 के नीचे क्या है, कुछ बोलेंगे, 2 के नीचे क्या है, सुने सो बोलेंगे, 931 का एलसीएम क्या है, गलत, देखे 9, वेरी गुड यार, इसका बेसिक्स वेरी स्ट्रांग है, वेरी हैप्पी, सो 9, अरे तुम बहुत आगे करेंगे, तुम लोग यार 27 कैसे बोलते हैं,
ये इसने कैलकुलेट किया बाजू में फटाफट फटाफट कैसे करना देखो ऐसा 9 3 का कैलकुलेट करना प्राइम फैक्टर से करना किसे करना 1 तो लेना ही नहीं 1 कौन लेता क्या देखो 3 3 3 1 3 1 3 3 कितना 9 27 नहीं बोलना मल्टीप्लाई करके नहीं बोलना कभी भी तो अब 9 है इधर 9 है क्या तो कुछ भी मल्टीप्लाई करना 4 के लिख दो ये डिनोमिनेटर में 9 है क्या इसके यहाँ पे तो इसको 9 करना है तो क्या करना 2 3 जा इधर 9 है क्या तो कितना मल्टीप्लाई करूं 9 बनाने के लिए कितना 9 है क्या उधर 1 है ना तो उसको 9 बनाने के क्या मल्टीप्लाई करना तो नीचे करे तो ऊपर भी करना 9 2 से कितना अब के की वैल्यू कैसे आती देखो ये 9 0 में गया तो 0 9 into 0 तो मैं नहीं लिख रहा हूं 4k ये दोनों लाइट टर्म्स है -6 -18 -24 उसमें k नहीं है ना तो 9 0 से 0 4k इज इक्वल टू -24 राइट हैंड चढ़ गया तो +24 तो k इज इक्वल टू 24/4 तो k की वैल्यू कितनी आ गई तो क्वेश्चन में क्या पूछा फाइंड k क्या बोला x की वैल्यू 2/3 बोला 2/3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन बोला समझे तो वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन बोलते समझ जाना वो किसकी वैल्यू है देखो जो बोलता वो बोलता दिमाग भी यूज करना 2/3 किसकी वैल्यू है किसकी 2/3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन तो x की वैल्यू 2/3 है k की मालूम था क्या तुम्हारे को फिर चलो अब एक लास्ट करेंगे 6 देन वी विल स्टॉप इफ x प्लस a इज ए फैक्टर x प्लस a इज ए फैक्टर फाइंड a बोल रहा x प्लस a इज ए फैक्टर पॉलिनोमियल क्या है जरा लिख लो ना जल्दी बोलो 2x² प्लस बोलो ना पढ़ लिए ना तुम लोग 2x² प्लस 2ax प्लस क्या था क्वेश्चन प्लस 5x प्लस 10 इसका नाम ना मैं पॉलिनोमियल है तो इसका नाम p ऑफ x रखता हूँ क्या रखता हूँ लेट बोल के लिया लेट एज्यूम कर रहा हूँ लेट p ऑफ x अब क्या बोला क्वेश्चन में x प्लस a इज ए फैक्टर बोला फैक्टर मीन्स रिमाइंडर इज जीरो कभी कभी देखो क्या क्या वर्ड यूज करता है 3 वर्ड यूज करता एग्जैक्टली डिविजिबल बोल दो रिमाइंडर इज जीरो इज ए मल्टीपल ऑफ मीन्स रिमाइंडर इज ए फैक्टर मीन्स रिमाइंडर इज समझ जाना ये 3 चीज होशियार बन जाना समझना है ओके तो क्या फैक्टर है बोला उन एक्स प्लस ए और ए की वैल्यू ढूंढो बोला तो ढूंढेंगे सुनो एक बार देखो तो अपन क्या करना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स प्लस ए कितना है इज एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो यानी ये भी एक पॉलिनोमियल एक्स प्लस ए इसका जीरो ढूंढना है वो तो इज इक्वल टू जीरो लेके एक्स की वैल्यू ढूंढना है एक्स की वैल्यू कितनी आई बोलो माइनस ए आई ना फैक्टर का मतलब ये x की वैल्यू माइनस है ये पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करना और रिमाइंडर कितना आएगा जीरो और सॉल्विंग में हमारे को किसकी वैल्यू आ जाएंगी x की चाहिए a की आ जाएगी तो देखो ये 9th क्लास में था एक्चुअली तो p ऑफ x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूं बोलो माइनस a सो 2 into -a² +2a (-a) +5 (-a) +10 = 0 क्यों ले रहा हूं बोलो बिकॉज मालूम है कि x प्लस a इज ए फैक्टर इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू माइनस a सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे रिमाइंडर कितना आएगा सॉल्व कर लो जरा स्टूडेंट 2 - a² + (-) कितना 2a(a² - -5a + 10 = +2a² - 2a²
माइनस फाइव ए प्लस टेन, तो माइनस फाइव ए इज इक्वल टू प्लस टेन आ गया, तो ए इज इक्वल टू टेन बाई फाइव, आंसर इज आ गया ए की वैल्यू टू। ठीक है, थैंक यू। हाँ।